बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मसा अल खैर। वेलकम टू चिट चैट विद फारिहा। जी व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। सो व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे खैर वाफियत के साथ होंगे। जिस तरह की ये बारिश हुई है और जिस तरह भी बारिश की पेशन गोई की जा रही है, तो अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखिए। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, लेकिन जिनको जाहिर बात है नौकरी करनी है और उन्हें नौकरी पे जाना है या अपने काम धंधे पे जाना है, तो वो अपनी हिफाजत के साथ घर से निकलें। तो आइए थोड़ा सा हालात हाजरा पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हालात हैं और क्या चल रहे हैं। अब देखिए, होता यह है कि जो लोग मतलब थोड़े से वेल सेटल्ड हैं, वो तो अपने घर में आराम से, लेकिन हमें उन लोगों का सोचना चाहिए जो लोग कच्ची आबादी में रहते हैं और जिनके घर पक्के नहीं हैं, जिनके घर बह गए हैं या जिनके घर के सामान जो पानी में डूब गए हैं। जैसे कि कल एक गुलिस्ताने जौहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि मिट्टी का तोदा गिर गया और कितनी गाड़ियाँ उसमें तबाह हो गई और लोगों के लिए आने जाने के लिए वो रास्ता जो है बंद हो गया है। तो ये बहुत सारे मसाइल से इस वक्त हम अपने शहर से गुज़र रहे हैं। फिर बिजली का मसला है, सबसे बड़ा जो मसला हमारे यहाँ है वो बिजली का है कि इलेक्ट्रिक वाले, मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप बिजली का मतलब ये है कि बिल तो एक लंबे लंबे भेज देते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि आवाम को आप उतनी बिजली फराहम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरह पानी और सीवरेज का निज़ाम, तो अभी जो हम जिन मसाइल से गुज़र रहे हैं तो वो सीवरेज के निज़ाम से ही गुज़र रहे हैं, क्योंकि नाले भर गए हैं तो बारिश का अब जो निकासी है वो हो नहीं पा रही है। तो ये जो हमारे पास हर महीने बिल आता है वाटर एंड सीवरेज का, तो मुझे कोई ये बता सकता है कि हम लोग जो सब लोग पाबंदी से इस बिल को पे कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं बैठ के? आप ये बताइए ना, तो हमें नल में हमारे डायरेक्ट पानी आ रहा है ना, हमारा नाला साफ है क्योंकि बारिश का पानी निकल सके या हम इस मसले से निकल सकें बैठ के। मतलब हर तरह से आवाम ही पीसी जा रही है और लोग सिर्फ टीवी टॉक्स पे बैठ के, जो उनका शो होता है उसमें बैठ के सिर्फ अपना जो है वो एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं और अपने हालात और अपने आप को सेव करते हैं कि जी ये हालात हमारे कंट्रोल में है और सब कुछ ठीक है, जो हुक्मरान है। और जो अपोजिशन में है वो ये कहती है कि नहीं भाई, यहाँ तो ये गलती है वो गलती है। जब वही अपोजिशन हुक्मरान में आती है तो वो कहती है कि भाई हालात हमारे कंट्रोल में है, और जो हुक्मरान पार्टी है वो जब अपोजिशन में जाती तो वो कहती है कि नहीं ये गलत है। मतलब ये एक सिलसिला ब्लेम गेमिंग का चल ही रहा है बैठ के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत गलत हो रही हैं। इसी तरह दुनिया में भी पावर गेम हो रही है। मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में आप सुन ही रहे होंगे कि किस तरह की पावर गेम हो रही है। हर कोई एक दूसरे को पे अपनी सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है, अपना पावर वो जताने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देख रही हूँ और बहुत दुखी दिल के साथ, जिसे कहते हैं अफसोस होता है कि हम कितने बेबस हैं। हम कम से कम ये तो कर सकते हैं अपनी बेबसी में कि अपनी आवाज़ तो बुलंद करें, लोगों तक अपना उन लोगों तक अपनी बात तो पहुंचाएं कि जी आवाम किस मसाइल से गुज़र रही है। ठीक है व्यूवर्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मा अस्सलाम।